बस इतना पढ़ लेना कि जिस किताब को तुम पढ़ रहे हो भविष्य में उसमें एक चैप्टर तुम्हारा लिखा हुआ जुड़ जाए। पढ़ना आसान नहीं, लेकिन और आसान काम करने वाले के हक में बस बंजर जमीन है, आसमान नहीं है। अगर सिर्फ काम ना करोगे तो कभी काम ना करोगे, और अगर कर्म करोगे तो करामात करोगे। आप जब एग्जाम में टॉप करने का सपना देख रहे होते हैं, उस समय एक टोपर अपनी नींद त्याग कर पढ़ रहा होता है। याद रखना, एक रात पहले पढ़कर आप परीक्षा को केवल उत्तीर्ण कर सकते हो, प्रथम नहीं आ सकते। मेहनत का रास्ता आसान नहीं है, इसीलिए इस रास्ते पर भीड़ नहीं है। सिफारिश और गुजारिश से मैं अपना एडमिशन नहीं चाहता, मैं तो अपनी जगह अपनी मेहनत के बलबूते पर बनाऊंगा। ये बढ़ने की भूख होगी तभी तो पढ़ने की भूख होगी। शुरुआत खराब है तो क्या हुआ, हर कलाकार एक वक्त पर नौसिखिया होता है। सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलता, कई रातें बितानी पड़ती है किताबों के साथ। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। अगर किसी कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो शुरुआत कीजिए और बातें मंद कीजिए। जान लगा दो हर काम में, देखा जाएगा जो होगा अंजाम में। रोज छोटी छोटी कोशिशें इंसान को एक दिन बहुत बड़ा बना देती हैं। अपने अतीत से सीखिए, अपने वर्तमान में कार्य कीजिए और अपने भविष्य में सक्सेस प्राप्त कीजिए। उस व्यक्ति को कोई नहीं हरा सकता जो कभी हार नहीं मानता। जो आप कर रहे हैं, अगर आप उसमें नाकाम नहीं हो रहे हैं तो समझ लीजिए आप वह कर रहे हैं जो सब कर सकते हैं। वक्त खराब चल रहा है तो समझ लेना कि आपकी घड़ी खराब है। इसमें कोशिशों का सेल लगाइए और वक्त सही तरह से चलने लगेगा। केवल एक बार जीतने के लिए प्रयास और अभ्यास बार बार लगातार करना पड़ता है। किस्मत का मिला है तो छीन भी जाएगा, क्योंकि किस्मत बनती बिगड़ती रहती है, परंतु संघर्ष है तो परमानेंट सक्सेस है। लहरों के विपरीत जो तैर पा रहे हो, जो तुम, तो समझ लेना कि अभी जिंदा हो, क्योंकि लहरों के साथ तो लाशें तैरा करती हैं। अपनी मेहनत का शोर मत मचाइए, क्योंकि झूठी शान के परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं। बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती। इतनी जी जान से पढ़ाई कीजिए कि नौकरी न करनी पड़े बल्कि नौकरी देनी पड़े। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करें। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।